चंपावत में भाजपा के पूर्व नेता पर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में कांग्रेस ने कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। हरिद्वार में देवपुरा चौक पर इकट्ठा हुए कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला जलाया, साथ ही आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेताओं का आरोप है कि भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, जबकि भाजपा के नेता ही महिलाओं और बच्चों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों में पिछले एक साल में महिला अपराध के कई मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि चंपावत जिले में भाजपा के मंडल अध्यक्ष रहे कमल रावत पर एक नाबालिग लड़की द्वारा दुष्कर्म के आरोप लगाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। दुष्कर्म का आरोप लगने के बाद पार्टी ने कमल रावत को निष्कासित कर दिया है। आज एक अंकिता भंडारी की तरह ही कमल रावत ने एक नाबालिग लड़की के साथ किया है, वो एक बहुत ही जघन्य अपराध है और कांग्रेस इस तरह के कामों को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेगी और सड़कों पर उतरकर लड़ने का काम करेगी। और आज तो सिर्फ पुतला दहन किया है, अगर दोषियों के खिलाफ निकट भविष्य में जल्द कार्रवाई नहीं होती, उन्हें सजा नहीं होती, तो और भी बड़े से बड़े आंदोलन के लिए कांग्रेस बाध्य होगी और सड़कों पर उतरकर लड़ने का काम करेगी। जो सुशासन के नाम पर जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर कुशासन फैला हुआ है, बीजेपी की सरकार में किस तरह से महिलाओं का शोषण हो रहा है, उसको लेकर आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर यह पुतला दहन किया हुआ है और इसमें सरकार को आगाह किया है कि तुरंत इस तरह के कुकृत्य करने वालों को सजा दे, अन्यथा इसमें एक उग्र रूप में बहुत ही बड़ा जन आंदोलन करना पड़ेगा। हमें पूरा प्रदेश एक बार अंकिता के रूप का दंश झेल रहा है और इनकी अगर उसको अंकिता के कातिलों को अब तक सजा देने का प्रावधान हो जाता तो कोई अगला आगे आने की हिम्मत ना करता। अब उत्तराखंड की खबरें आपको मिलेंगी व्हाट्सएप पर भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से अभी ज्वाइन करें और अपने उत्तराखंड वाले ग्रुप पर पाएं उत्तराखंड की हर खबर।